मन विचार और निर्विचार है तो मन ही, अगर आपको उस स्थिति के ऊपर जाना है जिस स्थिति के अंदर पूर्ण विश्राम है, जिसको परम तत्व बोलते हैं, जिसका कोई नाम ही नहीं, हमारे संतों ने जिनके नाम अपने हिसाब से अपने अनुसार रख दिए, जिस सत्ता का कोई नाम नहीं है, जिस ताकत का कोई नाम नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी नाम सुने आज तक, जितने भी सुनेंगे, सबके सब नाम मिट जाएंगे, सबके सब नाम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो परम सत्ता जिसका कोई नाम ही नहीं है और संसार वालों ने उसका नाम रख दिया, तो वो परम सत्ता जो है वो नाम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, नया नाम दे देंगे, फिर वो समाप्त हो जाएगा, फिर नया नाम दे देंगे, अलग अलग नामों से अलग अलग युगों में अलग अलग समय के ऊपर ये चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकती। आपको वहाँ नहीं रुकना है जहाँ केवल मन के शब्द रुके हैं, केवल मन का विश्राम है, आपको आत्मा के विश्राम के अंदर रुकना है, आपको अनहद के विश्राम के अंदर भी नहीं रुकना है, आपको आत्मा जो है इसके अंदर रुकना है, स्थित होना है। जब आप आत्मा के अंदर स्थित हो जाओगे, बदल जाएगा सब कुछ, एकदम से चेंज हो जाएगा, सब इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, दूसरों की छोड़िए अपनी इच्छा नहीं रहेगी, आप समझने लगेंगे कि परमात्मा अपने आप कर देगा सब कुछ, मांगना नहीं पड़ता उससे, अपने आप दे देगा सब कुछ, बस उसके रास्ते के ऊपर चलना है, उस पे विश्वास करना है, उसका ध्यान करना है, और उस परम पिता के जिसके न चरण है, न शीश है, न हाथ है, न पैर है, वहाँ जा करके हमें समर्पण कर देना है, और जब वहाँ पहुँच गए तो बस समझो उसी के हो गए, और जो उसका हो गया वापस नहीं आता। आत्मा कोई टुकड़ा नहीं है, काट करके वापस भेज दिया, आत्मा वो परम सत्ता है जो कभी नष्ट नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि ये परमात्मा ने कोई टुकड़ा काट दिया और ये आत्माएं बिखर गई, आत्माएं पैदा हो गई, वो लोग अनजान हैं उन रहस्यों से जो परमात्मा के उस अनंत के भेद हैं, जो अपने भक्तों को, अपने जीवों को वो समझाते हैं। जितने भी गुरु हैं कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के आते हैं, परमात्मा उद्देश्य दे करके भेजता है, लेकिन वो परमात्मा सबका गुरु है, सदा से गुरु है, था और रहेगा। कोई ये आपको बोले कि वो गुरु नहीं है, वो ऐसे नहीं मिलता, वैसे नहीं मिलता, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, इधर उधर भटका के, इधर उधर घुमा करके आपको बेवकूफ़ बना करके बैठा लिया जाएगा, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर सबका गुरु है। जब आप उसके समर्पण हो करके भक्ति में भाव से भर करके, प्रेम में भर करके उसको पुकारोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको उससे मिलने के लिए। कोई वो ये नहीं बोलेगा तुम्हारा गुरु कौन है, नहीं पूछेगा वो किसी जीव से, क्योंकि उसको पता है कि वो स्वयं ही गुरु है। दूसरा इस ब्रह्मांड के अंदर न कोई गुरु था, ना है, ना होगा। ये जितने गुरु हुए ये कुछ समय के लिए भेजे गए हैं, कुछ जीवों के लिए भेजे गए हैं, सीमित ताकतें दे करके भेजे गए हैं, कुछ जीवों के कल्याण के लिए भेजे गए हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी के कल्याण के लिए, सदा सदा के कल्याण के लिए वो परमपिता स्वयं विराजमान है, और वो स्वयं ही कल्याण करता है, स्वयं ही गुरु का रूप धारण करके आता है, स्वयं ही हृदय में उत्पन्न होता है आपके, स्वयं ही बैठ करके आदेश करता है, जो आप प्रसन्न करोगे अंदर स्वयं उत्तर आएगा। जब आपकी साधना इतनी श्रेष्ठ होगी, कोई भी प्रसन्न करो, किसी भी प्रकार का प्रसन्न करो, कितना भी गहरा प्रसन्न करो, उत्तर वो स्वयं आकर के देगा,
जब आपकी उस परमपिता से बातें होने लगेंगी, जब आप उस परमपिता के पास पहुंच जाओगे या परमपिता आपके पास पहुंच जाएगा, परम गुरु आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन वो ऐसे नहीं पहुंचेगा कि यहाँ आ गए और चिंता घर की, यहाँ आ गए और देर हो रही है, यहाँ आ गए और फंसे हुए संसार में बैठे हैं, मन को रोकने के लिए मन ही भगाए हुए हैं, बैठे हैं सुनने के लिए और सुन ही नहीं रहे हैं, बैठे हैं नाम के लिए और नाम का जप ही न हो, आए हैं उस परमात्मा की कृपा के लिए और निंदा शुरू। जब मैं देख सकता हूँ इन वस्तुओं को, मुझे पता चल सकता है सबकी सब वस्तुओं का, सबके सब रहस्यों का, आप सब लोगों के विचारों का, आप सब के कर्मों का, आप सब के पिछले जन्मों का, आप सब के दुख सुख का, आप सब ने जो जो कर्म किए हैं उनका, तो जब मुझे पता चल सकता है तो वहाँ तो लिखाई ही दूसरे प्रकार की है, उनसे कहाँ छुपाओगे। जब वो हिसाब मांगेगा, जब वो आपकी डायरी बनाएगा, जब आपके कर्मों को मापेगा, कहाँ छुपोगे आप लोग। तो इसलिए पहले ही तैयारी कर लो, एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। किसी 15-20 वर्ष के बच्चे को बोलो कि जाना है, वो नहीं मानेगा, लेकिन कोई जो समझदार है, जिन्होंने इस संसार को देखा है, जिसने सामने चिताएं जलती देखी हैं, सामने लोग मरते देखे हैं, वो मान लेगा हाँ जाना तो है, लेकिन अभी नहीं जाना। वो ये नहीं जानता कि सांसों का कोई भरोसा नहीं, अगला सांस आए न आए, एक पल में रुक जाए और ये शरीर गिर जाए, फिर वजन कैसे होगा। तो आप सब सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए, इन रहस्यों को समझने की कोशिश कीजिए और मन के ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए, नाम की ताकत का अनुभव कीजिए। हमारा आपका जो अगला प्रोग्राम है वो 4 का होगा, आपको पता ही है, क्योंकि मेरे से पहले तो पूर्णिमा की खोज आप लोग ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।